चलेगा। हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मोर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8A चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ। आयु से संबंधित क्वेश्चन है सॉल्व करा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो कह सुरेश और सुरेश की आयु उसके पिता, मतलब पिता लिख लीजिए, पिता और सुरेश। तो सुरेश को अगर x मान लेंगे तो पिता को 2x मान लेंगे। ये कह रहा है पिता की आयु से आधी है, पिता की आयु से आधी है। अगर 2x है तो 1x है। इस तरह से मानेंगे 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष जोड़ देंगे, 20 वर्ष बाद। अब कह रहा है पिता की आयु, पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी है। मतलब अगर इसमें क्या करें, इसमें गुणा कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या करेंगे, उसकी आयु से 1.5 गुनी है तो 1.5 गुनी कर दीजिए। 1.5 गुनी कितनी है? 1.5 गुनी का मतलब हो गया 3/2, 3/2 1.5 गुनी है। तो इसको आप पलट के इधर ले ला सकते हैं, यह हो गया 1.5 गुनी। ये अगर इसमें गुणा कर दें, 3/2 का अगर गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, क्या करेंगे इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो 2 × 2x + 20 बराबर 3 × x + 20, ये हो जाएगा। अब ये 2 × 2 = 4x और 20 × 2 = 40, ये हो जाएगा 3x और ये 20 × 3 = 60 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 4x - 3x और ये 60 - 40, तो यहाँ से x हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। तो कह रहा पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x + 20 यहां रख देंगे, आधी है। इसका मतलब आपको 2x है, क्या है ये 2x है और ये x है, ये वर्तमान की वैल्यू है। तो इसमें रख देंगे तो 2 × 20 = 40, ये आपका 40 वर्ष आ गया। किसका? पिता का, पिता की आयु, पिता की आयु निकलेगी। ये 20 वर्ष बाद था तो इसके इसमें ही गुणा करेंगे तो आपका ये वर्तमान आयु 40 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर का। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। तो वर्तमान एक 8x मानेंगे, 8x और प्लस 9x, इन दोनों की वैल्यू दे रखा 68 दे रखा है। ये 9 × 8 = 17, x बराबर 68/17, 17 × 4 = 68, x बराबर 4। अब कह रहा 8x और प्लस 10 और 9x प्लस 10, इसमें मान रख देंगे ये 8 × 4 + 10 बराबर 9 × 4 + 10, 8 × 32 + 10 और ये 9 × 36 + 10, तो ये हो जाएगा 2 = 42 और ये हो जाएगा 6 = 46। अब इसको काट देंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2, 3 = 6, तो अनुपात आ गया कितना 2:21:23। 10 वर्ष बाद वैल्यू निकालना था, 10 वर्ष बाद वैल्यू आपका ए ऑप्शन सही हो। ए नहीं,
बी ऑप्शन सही है, 21:23 आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर, सरिता की वर्तमान आय उसके पुत्र की वर्तमान आय से 5 गुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आय उसके पुत्र की आय पुत्र की उस समय की आय का 25 गुना थी, सरिता की वर्तमान आय बताइए। तो 5 वर्ष पहले वर्तमान आय कितना है, पहले सरिता सरिता और उसका पुत्र, सरिता पुत्र यक्ष है तो ये 5 यक्ष है, ये आपका वैल्यू दे रखा है। फिर 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 वर्ष पहले 5 जोड़ घटा देंगे और इसको भी 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे। फिर आगे कह रहा उसके पुत्र उस समय की आयु का 25 गुना ये है, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे, 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x-5 25x, ये 125 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 25x-5x बराबर हो जाएगा 125-x हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 20x बराबर हो जाएगा, इसमें 120 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120/20, इसको इसको काट देंगे ये 6 आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर आपका 6 आ गया। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, सरिता और पुत्र 5×6=30 और ये आपका 6 वर्ष, 6×5=30, इसका मतलब आपका सरिता की उम्र कितने है, सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगा, इस तरह से उसको आप कर लेंगे, ये हो गया इस तरह 35 वर्ष है। ये हो जाएगा आपका x बराबर 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरिता की उम्र 6 वर्ष और पुत्र की उम्र सरिता की उम्र 30 वर्ष और पुत्र की उम्र 6 वर्ष आ जाएगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 वर्ष आ रहा है सरिता की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आय कितनी होगी। तो बीड़ा का दे दिया है, क्या है, बीड़ा की आयु वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दे रखा है 15 वर्ष, इसका दे रखा है, लेकिन चलते हैं बीड़ा और राहुल की वर्तमान, बीड़ा राहुल, बीड़ा राहुल और दिनेश 3 आदमी हैं, तीनों का अनुपात रखा है कितना, पहले क्या है बीड़ा और राहुल का अनुपात 5:7 है, तो 5:7 कर देंगे। फिर कह रहा है दिनेश और राहुल, दिनेश दिनेश का कहना है 5 है, दिनेश पहले दिनेश है, दिनेश पहले दिनेश है तो दिनेश का लिखेंगे, बाद में राहुल, राहुल का 3 है तो यहां लिखेंगे 3, आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा तभी आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे और नीचे सभी संख्याओं का उतार देंगे, 5×3=15, 7×5=35 और 7×3=21, 7×3=21 और ये हो गया 7×5=35। अब यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, उम्र कितनी है 5 वर्ष, इसका मतलब यहां पर x x ही मानेंगे, क्या मानेंगे x और x मान लेंगे, तो इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है बीड़ा की 15x बराबर दे रखा है कितना 15, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1, 15×15 तो 1 ही बार आ जाएगा, तो x बराबर 15, तो यहां रख देंगे 15×21 और 35, क्या करेंगे
एक रखेंगे तो एक का गुणा करेंगे 15 है या 21, एक एक गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब जिसका पूछ रहा है दिनेश का वैल्यू पूछ रहा है, तो दिनेश की वैल्यू कितना निकाला 35। तो दिनेश की आयु कितना हो जाएगा 35 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है 35 वर्ष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मीना की वर्तमान में उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्र की आयु का अनुपात अंतर 10:3 हो तो मीना की वर्तमान आयु बताइए। तो मीना पहले लिखेंगे, मीना और पुत्री, मीना और पुत्री, अगर मीना अगर x है, एक है तो ये 8 है, मतलब आपको x मान सकते हैं, ये x और x इस तरह से कर सकते हैं, ये है। अब क्या कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष कर दीजिए, उनका अनुपात कितना हो जाएगा 10:3 हो जा रहा है। बस इसके साथ में इसका गुणा, इसके साथ में इसका, x नहीं करना है, 8 3 24 और 10 कम 10, मतलब एक के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 14, डिफरेंस निकालेंगे 14 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके 8 3 24, इसका गुणा इसके साथ 8 3 24, 8 धाम 80, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 6 7 5, तो ये हो जाएगा 14:56, 14 चौका 56, 4 आ गया, इसका मतलब 1:4, 1 क्या है 4 के बराबर है, तो इसमें गुणा कर देंगे 4 का, तो 8 × 4 और ये है 4 हो जाएगा, 8 4 32 और ये आपका 4, 8 × 8 = 32 होता है। तो आपका पिता माता की उम्र, मतलब मीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष, यह आपका आंसर हो जाएगा, 32 वर्ष पूछ रहा है। ये इस तरह से 15 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।